राजस्थान ही नहीं पूरे देश की जनता के मन में एक सवाल आ रहा है कि क्या बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से रविंदर सिंह भाटी इस बार भी इतिहास रचेंगे। तो आइए जानते हैं उनके जीवन के दो इतिहास जो उन्होंने रचे हैं उनके बारे में। सबसे पहले उन्होंने JNU में अध्यक्ष के तौर पर निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीता। 57 साल के इतिहास में पहली बार वहाँ पर कोई निर्दलीय अध्यक्ष बना और वहाँ पे जीता। दूसरा इतिहास बना उनके शिव विधानसभा सीट से, जहाँ से वे 2023 में चुनाव लड़े निर्दलीय और जीते। यानी 1980 के बाद से 5 बार वहाँ कांग्रेस जीती और 3 बार BJP। निर्दलीय पहली बार शिव विधानसभा से कोई विधायक बना, यानी कि 44 साल के इतिहास में पहली बार यहाँ से कोई निर्दलीय विधायक जीत कर राजस्थान की विधानसभा में पहुँचा। दूसरी चीज, अब एक सवाल कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से क्या रविंद्र सिंह भाटी इस बार भी निर्दलीय निकलेंगे? अगर वो निर्दलीय निकलते हैं तो उनका क्या इतिहास बनता है? यानी कि जब पहली लोकसभा चुनाव हुए थे 1957 में, तब रघुनाथ सिंह यहां से निर्दलीय जीते थे। उसके बाद अब तक यानी कि 67 साल में यहाँ से कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव नहीं जीता है। जसवंत सिंह जसोल भी खड़े हुए लेकिन वो भी हार गए। तो अब इंतजार है कि क्या 67 साल के बाद कोई निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ से जीत कर एक इतिहास बनाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं।